नमस्कार, मैं सोनी कुमार पिंटू, सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी से। मैं अभी यहाँ भोजपुर के साइबर क्राइम थाना में पहुँचा हुआ हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ा मामला लेकर के एक व्यक्ति आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या हुआ है, कैसे मामला हुआ है। बहुत बड़ा फ्रॉड को लेकर के इस मामले के हम बात करेंगे कि क्या हुआ है आपके साथ। मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है सर। किस चीज़ का धोखाधड़ी हुआ? पैसे का फ्रॉड हुआ है। मैंने कब हुआ था? सुबह में 9:43 पर। आज हुआ है? नहीं, 21/7/2023 को। क्या हुआ आपके मोबाइल पे जो फ़ोन आया उसके बाद क्या हुआ? मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया तो वो बोल रहा था ना कि मैं एयरटेल डीटीएच कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, आपका रिचार्ज 50 रुपये में मैं करवा दूंगा, आपका 8/8/2022 से बंद है। अच्छा, मैं आपकी डीटीएच के बारे में फुल जानकारी उसके पास था। फुल जानकारी था उसके पास। उसके बाद फिर उसके बाद वो बोला कि आपका रिचार्ज होगा आप ही के अकाउंट से, पे फोन पेटीएम से यूज होगा। मैं एक ऐप लिंक भेजूंगा, उसके बाद जो मैं करूँ बताऊँगा, उसके बाद आप करते जाइए। तो हमने जो बोला उसे करते गया। फिर बोला कि आप पेटीएम पे जाइए, पेटीएम पे हमने गया, वहाँ पे गया तो फिर बोला कि आप बैलेंस इंक्वायरी कीजिए। बैलेंस हमने इंक्वायरी किया पेटीएम पे, फिर बोला कि आपका आईडी नंबर ये है, आईडी नंबर मैं दे रहा हूँ, वो नंबर आप पेटीएम पर टू मोबाइल में आप जाकर डालिए उसको। तो हमने उसका आईडी नंबर डाला तो बोला था कि अब ज्यों डालिएगा ना तो आपका डीटीएच रिचार्ज होगा। मैंने ज्यों डाला मेरा पेटीएम से 98,721 रुपये कट गया। तो उसका मैसेज आया आपके मोबाइल पर? जी बिल्कुल आया। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आया तो हमने साइबर थाना में आरा केस किया। यहाँ पे केस किया तो कोई अभी तक रेस्पॉन्स हमको नहीं। कल केस किए थे? कल किए थे। जो आपके द्वारा वो बोला रिचार्ज करने के लिए, तो वो जो 50 रुपये की जो बात कही थी, तो आपका डीटीएच रिचार्ज पहले कितने से आप करवाते थे? पहले मेरा होता था 194 का होता था। तो मैंने मेरे कुछ महीनों से केवल चालू करने के लिए बोला था। हाँ, बोला कि 50 रुपये में आपका रिचार्ज हो जाएगा जो कि 2 महीना फ्री रहेगा। अच्छा, इससे पहले कभी 50 रुपये में रिचार्ज हुआ है आपका डीटीएच? नहीं, कभी नहीं हुआ। तो फिर आपका ध्यान उधर नहीं गया कि इस तरह गया? वो बोल रहा था कि आपका बंद है, अपडेट होगा, नए सिरे से अपडेट होगा तो आपको कंपनी फ्री देगी। अच्छा, 2 महीने के लिए। आप परिचय दे दे अपना। मैं दीनबंधु चौधरी, ग्राम टीला, पोस्ट देव चंदा, थाना पिरो, जिला भोजपुर के निवासी हूँ। अभी हम यहाँ साइबर थाना में पहुँचे हुए थे, अभी हम बात कर रहे थे, इनका 98,000 रुपये का फ्रॉड किया गया है और डीटीएच रिचार्ज के नाम पर फ्रॉड हुआ है। तो इस फ्रॉड को लेकर के इनके द्वारा जो साइबर क्राइम थाना यहाँ आरा में जो अभी आप देख रहे हैं इधर, तो उसमें इनके द्वारा आवेदन दिया गया है। यहाँ से मैंने जो कार्रवाई की जा रही है उससे काफ़ी मैंने इनके कहने के अनुसार असंतुष्ट लग रहे हैं। लेकिन फिर इसके देखने का मतलब भी ये बात है कि इस तरह का क्राइम जो बढ़ते जा रहा है, इस तरह की क्राइम को लेकर के सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाया जाता है, कितने पैसे की रिकवरी हो रही है, उस पर ध्यान देने जो जागे। हम इतना अपने चैनल के माध्यम से जरूर कहेंगे, इस तरह के वारदात को जब भी कोई किसी तरह का होता है तो मैंने हमारे पुलिस बल के द्वारा, साइबर क्राइम के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कितना संतोषजनक होता है, इसको समझने की बात है। लोगों के पैसे को रिकवरी किस तरह से किया जाता है, इसको लेकर के मैंने जिला से लेकर के हर प्रखंड तक जो लगे हुए हैं उस पर इसका विशेष रूप से यह हम कहना चाहेंगे कि यह साइबर क्राइम का जो धंधा भोजपुर में फल फूल रहा है, इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, इस पर बात विशेष होनी चाहिए और इस तरह के क्राइम को रोक लगना चाहिए। कैमरामैन संदीप कुमार सिंह के साथ मैं सोनी कुमार पिंटू, सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी के लिए। धन्यवाद।